उत्तराखंड भूमि विकास संगठन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने भी उत्तराखंड वासियों का, कुमाऊं और गढ़वाल का लोगों का मैं भव्य यहां पे स्वागत करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं अपने संगठन के बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा। इस संगठन का निर्माण, जो कि उत्तराखंड देवभूमि विकास संगठन के नाम से प्रसिद्ध है हमारे मयूर विहार क्षेत्र में, एक रजिस्टर संस्था है हमारी, जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य हमारे कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों को अपनी संस्कृति से अवगत कराना है। अपने जो हमारे बच्चे, हमारी फैमिली जो हमारे वहाँ पहाड़ों से यहाँ पर आए हैं अपनी रोजी को कमाने के लिए, उन लोगों को अपने पहाड़ तक ले जाने के लिए, उनको एक अपनापन महसूस कराने के लिए इस प्रोग्राम का हम लोग मंचन करते हैं। इसमें सभी हमारे मयूर विहार, त्रिलोकपुरी, अशोकनगर, आपका विनोद नगर, ईस्ट और वेस्ट, सारे कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों का यहाँ पर हमारा की संस्कृति से कराना। दूसरा, हमारे जो भी मेघावी छात्र, हम उनको काफ़ी समय से उनको हम सम्मानित करते रहे हैं, हमारे सीनियर सिटी और जो सोशल कॉज के कार्यक्रम है उत्तराखंड में पहाड़ों में भी करते रहे हैं। जो हमारे यह संगठन छू, यह संगठन 2017 में यह निर्माण है। आज कार्यक्रम में हमार जो प्रोग्राम रोल वह बारे में हमारे दगड़ से पन्नू गोसाई मैं संगठन बारे में तुमको बताना चाहूँ। संगठन जैसे मैं पहले बता, आज संगठन के पदाधिकारियों में काफी लोग हमारे साथ हैं, नए लोगों का निर्माण हुआ है, नए लोगों का आगमन हुआ है, जिसमें पुराने लोग हमारे साथ थे, काफी लोग हमारे साथ रहे, साथ साथ पर चलते रहे, उनके मार्गदर्शन है। उसके बाद हमारे श्री गणेश मनाली जी, जिनको हम ग्रीस के और हरी टेंट के नाम से उनको बहुत प्रसिद्धि मिली है यारों के आगे लाने के लिए, उनका प्रयास सराहनीय रहा है। उसके बाद हमारा पद आता है डॉक्टर देवेंद्र मावरी, मैं महासचिव के पद पर हूँ और अपनी भूमिका के लिए जितना प्रयास हो सकता है मैं करता हूँ। उसके बाद हमारे सचिव के पद पर श्री राज स्वर्गीय श्री हमारे अधिकारी साहब बीएस अधिकारी जी के नाम से जाने थे, उनको एक निर्माण करने वाले में एक संगठन के आधारभूत मेंबरों में वो लोग रहे हैं, उनके पुत्र लाल सिंह जी, जो आपके बीच में पॉकेट वन के विकास, पॉकेट वन के निर्माण के लिए। ये बहुत ही अच्छी परंपरा है उत्तराखंड देवभूमि विकास संगठन का कि सभी मेहमानों का जिस तरह से वो स्वागत, जमा दिलों की धड़कन, इंद्र आर्य भाई का जो सम्मान है उनके वो सम्मान, तालियां भाई जरा जोरदार इस पोजीशन के लिए। युवा संगीतकार है हमारे दीपक भाई और अभी सीधा उत्तराखंड से चलकर हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि छोलिया नृत्य हमारे पहाड़ की एक शान है, एक पारंपरिक नृत्य, और उसको मंच पे लेके आ रहे हैं श्री गणेश पेरी भाई, चंदन सोदियाल जी, ललित मोहन धोला खंडी जी, मोहन पपने जी, हिमांशु कांडपाल जी, प्रकाश भाई। तो मैं चाहूंगा आप इस पारंपरिक नृत्य का भी आनंद लें, ताकि ये नृत्य आपको हमारे पौराणिक नृत्य और वो संगीत को याद दिलाए। तो चलिए मंच पे आगे बढ़ते हैं और एक छोलिया नृत्य के साथ के उस पारंपरिक धरोहर को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और बल्कि अपने देश में नहीं, शिवदत्त पंजी ने विदेशों में जाकर हमारी बोली भाषा को, हमारे पारंपरिक नृत्य को एक ऐसी जगह दी है कि आज भी विदेश में जब प्रोग्राम होते हैं तो शिवदत्त पंजी को हमेशा याद किया जाता है उनके कार्यक्रम के लिए, उनके इस प्रस्तुति के लिए। और आप देख रहे हैं अपनी वेशभूषा के साथ हमारे छोलिया नृत्य कलाकार मसकबीन ढोल नमो रणसिंह के साथ, जो हमारे बुजुर्ग लोग यहां बैठे हैं उन्हें जरूर अपना वो समय, वो पल याद आ रहा होगा, क्योंकि आज जमाना बदल गया है, लोग बदल गए हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है हमारे पहाड़ का लोग दूर दूर बटी की अपना घर बटी के टाइम निकाल के आया, बहुत बहुत स्वागत है आपको।
गांडी काठी जी। और आप एक बार हाथ खड़े के तालियां लगाइए मेरे इसके साथ। ये बात ये है जो कि रुद्रवीणा ग्रुप और अपनी संस्कृति के लिए पूरे 35 वर्ष से काम कर रहा है। और हमारे ललित मोहन धौलाखंडी जी, हिमांशु चंद्रा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और जो सरैया कर रहे हैं और जो बीन पे हैं गणेश बैरी जी एक बार जोरदार तालियां। इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हमारे देश के लिए मशक बीन बजाया है। चंदन सौत्याल जी, प्रकाश धौलाखंडी जी, हिमांशु कांडपाल, हिमांशु चंद्रा, ललित मोहन धौलाखंडी जी, गणेश बैरी जी की ये सुंदर प्रस्तुति अपनी देवभूमि विकास संगठन द्वारा होली मिलन कार्यक्रम आप सब लोगों के लिए और नदिया नृत्य वालों के लिए पारतोषिक जो है लेके आ गए हैं। और आप तालियों से इनका उत्साह बढ़ाएं, तालियों से। ये बात वकील होने के बाद भी इन्होंने अपने उत्तराखंड की संस्कृति को नहीं छोड़ा। एक बार जोरदार तालियां हिमांशु चंद्रा के लिए। अभी इन्होंने वकील की पढ़ाई उत्तीर्ण की है। और ऐसे हमारे कलाकार हैं जो कि अपने संस्कृति के लिए समर्पित हैं। देना चाहते हैं वो यहाँ पे हमारे संस्था में दे दें, क्योंकि ऐसे पैसे फेंको मत, पैसे को न मत फेंको। ऐसे एक जगह पे देके आप दे सकते हैं एक जगह पे। जोरदार तालियां सभी कलाकारों के लिए, जोरदार तालियों से स्वागत करें।
हेलो।